नमस्कार दर्शकों, मैं रिया गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं और लेकर चलती हूं बिलासपुर जिले के विकास खंड तखतपुर की ओर। वहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाराणा प्रताप चौक स्थित 38 साल पुराने शासकीय कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय का हाल बदहाल हो चुका है। भवन स्कूल जर्जर हो चुका है। बारिश में स्कूल के छत से पानी टपकता है। छत एवं दीवारों से प्लास्टर उखड़ने लगे हैं। पिल्लरों का वजूद खत्म हो गया है। शासन शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने, स्कूली बच्चों को सुविधाएं, अच्छी स्कूल बिल्डिंग, स्कूल में अच्छा माहौल देने के दावे तो तमाम करता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। बता दें हम आपको कि ये हाल जो है ये तखतपुर ग्राम का है, जहां की बिल्डिंग एकदम जर्जर हो चुकी है और यहां की जो छात्राएं हैं वो अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इस जर्जर छत के नीचे बैठने मजबूर है। बात करेंगे 250 की संख्या में मासूम छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। मासूमों की जिंदगी पर किसी अप्रिय संकट का बादल मंडरा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग के अफसरों पर इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस सरकारी स्कूल में शिक्षा के नाम पर मासूमों को मौत के मुंह में धकेलने का काम चल रहा है। स्कूल के छात्राओं से जब जर्जर छत के नीचे बैठ कर पढ़ने के बारे में पूछा गया तो बच्चों ने सहम कर जवाब दिया, डर तो लगता है पर क्या करें। शिक्षकों की माने तो शिक्षा विभाग के अफसरों को कई बार जर्जर बिल्डिंग के बारे में सुध दे दिया गया है, अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक विभाग ने इसकी सुध नहीं ली, जिससे आज भी मासूम बच्चे जर्जर अवस्था में बनी बिल्डिंग में पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं छात्राओं के परिजन भी किसी अनहोनी को घटना के डर से सहमे हुए हैं और अपने बच्चों को स्कूल से निकालने का मन बना चुके हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने बताया कि जर्जर स्कूल भवन का डिटेल मंगाया गया है। आइए जानते हैं छात्राओं से और उनके पालक गणों से कि क्या कहते हैं इस स्कूल के जर्जर अवस्था के बारे में। यह तो एक जिम्मेदारों की उदासीनता का ही नतीजा है। देखते हैं इस खबर के प्रसारण के बाद किस तरीके से शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देती है और स्कूल की बदहाली में सुधार लाती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ।